बारां जिले के अंता में मिनी सचिवालय तथा ट्रोमा सेंटर निर्माण को लेकर प्रशासन द्वारा चंबल कॉलोनी में बुलडोजर चलाकर सरकारी ऑफिस सहित सरकारी आवासों को ध्वस्त किया जा रहा है। बता दें कि खनन एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया के प्रयास से चंबल कॉलोनी के 33 बीघा के विशाल एरिया के 20 बीघा भूमि पर मिनी सचिवालय तथा 13 बीघा भूमि पर ट्रोमा सेंटर बनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत करते हुए पीला पंजा चलाकर सरकारी आवास को ध्वस्त किया गया। दूसरी ओर मिनी सचिवालय तथा सेंटर निर्माण को लेकर प्रशासन द्वारा सरकारी आवास को खाली करने को लेकर पूर्व में नोटिस दिए जा चुके थे। ऐसे में सरकारी आवास में रहने वाले कर्मचारियों द्वारा क्वार्टर खाली कर दिए गए थे, जिन्हें जेसीबी से खुर्द बुर्द किया गया। इस दौरान एसडीएम दीपक कुमार, तहसीलदार जुगल किशोर नागर सहित पुलिस व पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद दिखे। मोदी द्वारा 3.16 एकड़ भूमि मिनी सचिवालय के लिए आवंटन की गई है। इन लोगों को पूर्व में लगभग 1.5-2 महीने पहले नोटिस दिए जा चुके हैं, फिर भी इनके द्वारा अतिक्रमण निपटाए गए। आज 2 जेसीबी के साथ श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय और मैं स्वयं उपस्थित होकर इनको ध्वस्त किया गया। साथ ही इनको 8-10 मकान हैं जिनको इनको वार्निंग दी गई, भाई आप 1-2 दिन में मकान खाली करें, नहीं तो आपके लिए मकान खाली करवाए जाएंगे। इसकी क्या सर टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई? हाँ, लगभग इसकी टेंडर प्रक्रिया आज पीडब्ल्यूडी अधिकारी भी हमारे साथ उपस्थित रहे थे, कि उन्होंने कहा कि भाई इनको आप हमें जल्दी जल्दी अतिक्रमण हटा के देना है आपको, इस कारण हमने इनका अतिक्रमण हटाने के लिए आज ये अभियान चालू किया है और 1-2 दिन में हम पूरा अतिक्रमण हटवाएंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।